तस्वीरों में रिक्शे पर बैठे एक बच्चे के पैरों में घुटनों से लेकर तलवों तक पट्टी बंधी नजर आ रही है। बच्चे के पैरों पर बंधी पट्टियों के लिए पटना का पुलिस कर्मी जिम्मेदार है। चाय बेचने वाले इस बच्चे के साथ क्या हुआ, खुद बच्चे की जुबानी सुनिए। बलोरो आया था एक, वहाँ पीछे चुपचाप लगाया और उतर के आया और बोलने लगा कि दुकान बंद कर दो। तो हम लोग कहे कि पाँच दस मिनट का समय दीजिए सर, हम लोग दुकान बंद कर देते हैं। तो फिर पता नहीं उन लोग को क्या हुआ, गुस्सा हो गया, वो लोग मारने लगा इनको, 20-30 लाठी मार दिया इनको। हम इनको छुड़ाने गए तो हमको भी मारा और बोला कि सामान जल्दी जल्दी तुम लोग बंद करो। तो हम जैसे ही यहाँ सामान उतारने के लिए आए, पीछे मैं मुड़ के सामान उतार ही रहे थे कि पीछे से चूल्हा पे एक लात मार के सारा मतलब चाय गिरा दिया, सारा मेरा पैर पे गिर गया और हमको बहुत दर्द होने लगा। तो हम चिल्लाने लगे तो उधर से सारा आदमी आ गया। तब तक वो लोग क्या किया, बैठ के भाग गया यहाँ से, सारा आदमी खदरने लगा तो वो लोग भाग गया। कौन था वो लोग? कृष्णापुरी थाना का था। कैसे पता चला? वो पुलिस पे मतलब गाड़ी पे लिखा हुआ था कृष्णापुरी थाना। 2 जून की रोटी के लिए एक परिवार हड़ताली मोड़ के पंत भवन के पास चाय की दुकान चलाता है। रात में एसके पुरी लिखी हुई एक बोलेरो गाड़ी चाय की दुकान पर रुकती है, जिसमें एसके पुरी थाना के थानेदार सतीश सिंह सहित 4 और पुलिस वाले थे। परिवार दुकान बंद करने वाला था तभी पुलिस वाले गुंडे आकर मासूम के पिता को जमकर लाठियों से पीटते हैं, फिर मासूम को पीटते हैं। इतना कुछ करने पर इन हैवानों का गुस्सा शांत नहीं होता तो एक पुलिस वाला चूल्हे पर लात मारता है, जिस पर उबल रही चाय मासूम के पैरों पर गिर जाती है। चाय गिरने के बाद छटपटाते बच्चे को छोड़कर पुलिस वाले गुंडे भाग जाते हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। डीएसपी ने कहा कि अगर पुलिस वाले भी दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। के पास एक चाय का दुकान है, दुकान वाले की कुछ शिकायत हुई है, पुलिस वाले ने उसके साथ अभद्रता से व्यवहार किया है, इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई। चिन्हित किए गए हैं कौन लोग थे? जांच चल रही है, जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई। बच्चे की जांच हो रही है, जो आरोप लगाया है। बच्चे की हालत क्या है? बच्चे के इलाज कराया गया है, ठीक है, जो आरोप लगाया गया है उसकी गंभीरता से जांच। मासूम पर गर्म चाय फेंकने की घटना पटना पुलिस के घिनौने चेहरे को दिखाती है। सिर्फ देर तक दुकान खोलने के आरोप में दुकान वाले पहले तो दुकानदार और मासूम को बेरहमी से पीटते हैं, फिर बच्चे पर गर्म चाय फेंक देते हैं। ये सोचकर हैरानी होती है कि कैसे कोई पुलिस वाला मासूम बच्चे को ऐसी अमानवीय सजा दे सकता है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब जाकर पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने जाँच के आदेश दिए हैं। पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।